खूबसूरत ये चौलिस्तान में मुझे मंजर नज़र आया। हालांकि पहले भी मैंने चौलिस्तान दिखाया, लेकिन ये मुर्गी और उनके चूज़े जो हैं ये मुझे नज़र नहीं आए, लेकिन पहली दफ़ा मुझे नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये जंगल की जो बूटी है ना, उसको ये फिर काट के फिर इसकी यानी कि ये दीवारें बन जाती हैं सर्दी से बचाव के लिए, यानी बाड़ फेंस कह लें, बाड़ बन जाती है। और ये सूखी लकड़ी, ये तंदूर है जहाँ पे रोटी लगती है। और ये देखिए, ये रिहायश के लिए, रिहायश का ये सारे ये बर्तन है, दूध दो इनमें दोहा जाता है। और फिर ये देखें लकड़ी की, लकड़ी पे कैसे लगता है। और ये है, ये मुर्गियाँ का खुटा है जी जी। और ये है जो जहाँ पे यानी मक्खन निकालना या लस्सी वगैरह निकालने के लिए यहाँ पे चाटी रखी जाती है। और ये बर्तन पड़े हैं, और ये वो जो प्याली है चाय पीने की, जिसमें अक्सर मैं जहाँ भी जाता हूँ उसमें चाय पीता हूँ। ये देखें, ये गिलास है, ये प्लेट है, ये सारे सिल्वर के ये घंटा है सुबह उठाने के लिए माल के टाइम पे। ये है जी, ये जो ये सब लेबर को उठाया जाता है घंटे से। ये देखें, और ये दूर दूर तक आवाज आती है चौलिस्तान में, इसकी दूर तक कोसों दूर चली जाती है। ये है जी, ये देखें, वही मैं कह रहा हूँ, ये गारे से लपाई की गई है। और इसको जो ही फिर ये बासी आती हैं, फिर ये गारा जो है ये पानी बन जाता है, फिर दोबारा से फिर इसकी फिर रेनोवेशन कर दी जाती है। ये है जी, ये अंदर का माहौल, ये देखें, चाय बन दी पे, ये चाय पियेंगे सब, अगर बनवा दे तो बेहतर है। ये देखें, ये दूध कट रहा है, दूध पीसो, ये दूध खीर ना, कोई चाय में एक प्याली दो तो साउंड शहरी लोगों को पच्चे ना वाला नहीं सही पाँच वैसी। अच्छा, ये देखें, ये है सोने का एक कमरा, यानी बेडरूम में इसको बेडरूम कहूंगा। ये ओल्ड कल्चर है जो आजकल जो नई जो जनरेशन है उनको दिखाने के लिए कि ये देखें हमारे जो आबाओ अजदाद हैं इस तरह कच्चे मकानों में जो है वो रहते रहे। ये दूसरा कमरा है, और ये देखें मुर्गी के बच्चे अंदर खुले आम यानी कि सैर सपाटा कर रहे हैं। ये देखें, ये पूरा माहौल बना हुआ है, ये देखें कच्चे घरों का पूरा यानी कि कच्चा घर है, पूरा माहौल बना हुआ है। ये पूरा ये सामान जो है किचन, यानी सारा किचन का भी सोने का भी हर चीज जो है वो एक ही कमरे में मौजूद है। ये है जी, गोपे तो नजर नहीं आया लेकिन गोपा टाइप ये कच्चे मकान आते हैं। ये देखें, ये बाल्टी, और ये जो है ये घड़ों की लाइन है। ये देखें, तो जो है माशाल्लाह दो या तीन बज रहे होंगे। और ये सूरज का मंजर देखें, अब ये ग्रुप मगरिब की तरफ कैसे ये ग्रुप आफ्ताब है। ये देखें ये चाटियां, और ये जो है ये मकाई ले आते हैं, मकाई को फिर उसको कूट के उसका आटा सा बना के वो फिर आगे खुलियों में डालते हैं। वैसे तो जानवर चरते भी हैं लेकिन ये खुराक जो है ये भी मैंने आपको दिखाई है कि जो गाय वगैरह जो हैं वो खा रही हैं। और ये तूड़ी है, ये भूसा यानी कि ये गंद तूड़ी है जी जी, हाँ ये तूड़ी का ढेर लगा हुआ। ये है जी एक चौलिस्तान में कच्चे घर में रिहायश पजीर जो मकीन हैं रहने वाले हैं उनका जो है ओल्ड कल्चर यानी ओल्ड हेरिटेज, पुराना विरसा
और पुरानी सिकावत, ये नाजरीन मैं आपको अक्सर दिखाता रहता हूँ। और ख़ास तौर पर जो न्यू जनरेशन है वो इस चीज़ को लाजमी फॉलो करें, देखें कि आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले या सदियों पहले इसी तरह का सिस्टम जो होता था वो मौजूद होता था। अब तो हम कहते हैं जी हमें कोई कच्ची मिट्टी का बर्तन नहीं चाहिए, हमें वो बहुत ही अच्छा बर्तन चाहिए। तो ये यानी कि कच्ची मिट्टी के बर्तन में ही सालन पकता था, उसी में साग पकना, मक्खन, ये वो लटम, यानी एवरीथिंग। तो ये है एक चौलिस्तान का। ये है नाज़रीन ये चाय, ये चौलिस्तान की, और इस वक्त चौलिस्तान में बैठे हैं और ये चाय पी रहे हैं। और प्यालियों में ये देखें, ये हैं प्यालियाँ, और ये बड़ी मज़ेदार चाय है और ताज़ा दूध की चाय है। नाज़रीन ये है रोडा टोबा, और ये भी चौलिस्तान के बीच में है। और ये देखें, ये भी बारिशों का पानी जो है यहाँ पर इकट्ठा हुआ हुआ। ये मैं तीसरा टोबा दिखा रहा हूँ आज, और पहला डब्बर टोबा और दूसरा जो था वो था बाड़ा टोबा, और ये है रोडा टोबा।